जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज देखते हैं वीडियो के साथ लेसन नंबर 9 में आपको खुशामदीद। और लेसन नंबर 9 में हम सीखेंगे कंसीलर का, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि कंसीलर करना क्या ज़रूरी है, आखिर ये कंसीलर है क्या और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि कंसीलर हम इसलिए यूज़ करते हैं हमारे फेस पे जो एक्नी होती है, हमारे डार्क सर्कल होते हैं, और जो हमारे पोर्स वगैरह ओपन हुए होते हैं, और इसकी रेडनेस, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस लिए यूज़ करेंगे। अगर तो हमारे फेस पे डार्क डार्क स्पॉट हैं, डार्क सर्कल हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि हम अपने डार्क स्पॉट डार्क सर्कल को हम छुपा सकें। तो आपने लेना क्या है, ऑरेंज कलर का आपने कलर लेना है, और जहाँ आपके डार्क सर्कल हैं, आपके डार्क स्पॉट हैं, आप वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का ये भी होता है और इससे एक डार्क भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, और ऑरेंज कलर से डार्क कलर ये वाला होता है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। आपने देखे होंगे स्क्रीन पे कि कौन कौन से होते हैं हमारे कंसीलर कलर, ठीक है। अब सबसे अहम बात सीखने की ये है कि हमारे डार्क सर्कल किस तरह से किस कलर में है, ठीक है, किस कलर में है। तो अगर तो डार्क सर्कल है ना हमारे, एक अलग सी बात बता रही हूँ आपको, हमारे डार्क सर्कल जो होते हैं ना थोड़े से ब्राउन टाइप के होते हैं, ठीक है, ब्राउन टाइप के होते हैं। तो उससे हम उसके ऊपर हम लगाएंगे ये ऑरेंज कलर, थोड़ा सा डार्क कलर, ऑरेंज से थोड़ा सा डार्क कलर जो होता है ना वो लगाएंगे, ऑरेंज कलर। और उसके अलावा रेडनेस होती है फेस पे, एक्ने वगैरह होती हैं, तो उसके लिए आखिर हम ऐसा क्या करेंगे जो कि हमें ये हो कि हम अपने फेस पे अगर कोई बेस वगैरह लगानी है तो उससे पहले हम ये इस्तेमाल करते हैं कंसील का, कंसीलर का, ठीक है। कंसीलर का अगर हम पहले ही इस्तेमाल करेंगे तो उसका ये होगा कि हम अपने जो फेस पे अगर कंसीलर लगाएंगे इसके बाद ये देखें ये बेस है, अगर आप बेस इस्तेमाल करते हैं तो बेस लें, अगर आप फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं तो फाउंडेशन से पहले आप यूज़ करेंगे। अब मैंने ये लगाया कलर, अब इसके ऊपर बेस जब मैं लगाऊंगी ना, अब इतना वाजे नहीं हो, ये आप देख सकते हैं, आपको ये कलर मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर है, और ये जो बेस है ना ये मतलब कि येलो टोन में आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर हम लगाएंगे कंपैक्ट, कंपैक्ट लगाने कंपैक्ट हमारे मेरे पास है, जी हाँ जी, बस मैंने आपको कहा के, और ये बेस लगाएंगे, बेस लगाने के बाद हमें क्या करना है, कंपैक्ट ले लेना है, इसके बाद आप शाइनर लगाएं, हाइलाइटर लगाएं, आपके अपने मर्जी। हाँ जी, आप खुद ये जज कर लें कि मैंने इसके ऊपर लगाया था और डार्क ऑरेंज कलर, ठीक है, कंसीलर का। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने मैट की बेस लगाई, उसके बाद मैंने कंपैक्ट पाउडर लगाया। आपको क्या फील हो रहा है इसके ऊपर कि मैंने ऐसा कुछ यूज़ किया हुआ है, नहीं नहीं चल रहा ना आपको, ये पता नहीं चल रहा आपको। तो यही तो होता है असल में कि हम कंसीलर किस लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे जो फेस की रेडनेस है, ये डार्क स्पॉट डार्क सर्कल हैं, तो उनके उनको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीलर का करते हैं, ठीक है, छुपा लेते हैं कंसीलर की मदद से। हाँ जी, ये जो ग्रीन कलर मैंने लिखा है ये है
ग्रीन कलर जो फेस पे रैनिश हो जाती है, एक्नी हो जाते हैं ना, तो उनके लिए है, उनके लिए है फेस पे ग्रीन कलर का। अब हमारे पास एक ये ग्रीन कलर भी है, ये ग्रीन कलर। जी हाँ जी, वैसे कुछ कलर होते हैं जो हमारे आईज पे नहीं लगते, मतलब हम हमारे हैंड पे अगर हम चेक करें तो नहीं लगते, तो अगर हम उसे पानी की मदद से लगाएं तो वो लग जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पानी की मदद से इसे लगाया है, तो ये आपके साथ वाजी हो रहा है, ठीक है। ये जो है ना ये मत सोचेगा आपने फुल फेस पे आपने ऑरेंज कलर लगाना है या ग्रीन कलर लगाना है, इसके अलावा और जो मसाले वगैरह होते हैं उनके लिए लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। जो ये ग्रीन कलर है या जहाँ पर आपके रेडनेस है या एक्ने है, तो उस जगह पे आपने ग्रीन कलर का कंसीलर लगाना है। और उसके अलावा हमारे फेस पे जो येलो कलर की होती हैं, येलो कलर के जो होते हैं ओपन स्पॉट, तो उनका क्या करना चाहिए? उनका उनका ये करना चाहिए कि जो पर्पल कलर होता है ना, जामुनी कलर, जो कि हमारी स्किन में मैट में नहीं है, शाइन में हमारा ये है। ये भी इतनी शाइनिंग नहीं दे रहा, लेकिन इसमें दो तीन कलर हैं जो कि आपने येलो पे लगाना है। और जो येलो कलर के स्पॉट्स होते हैं ना, तो आपने क्या करना है, उनका जो होती है पिन, ब्लैक हिट वाली पिन आपने देखी होगी, आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। जी हाँ जी, बस ये देखें, ब्लैक हिट्स निकालने वाली ब्लैक हिट्स और वाइट हिट्स निकालने वाली पिन, जो कि मैंने इसका आपके साथ एक अलग वीडियो शेयर करनी थी, लेकिन आपके साथ मैंने इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि ये है ब्लैक हिट्स पिन, जो हमारे नाक पे होते हैं, हमारे फेस पे होते हैं, ठीक है ना। उससे हम क्या करते हैं, हम अपने पहले हम मसाज कर लेते हैं, मसाज करने के बाद स्क्रबिंग करने के बाद मास्क लगाने से पहले, क्योंकि हम जैसे मसाज वगैरह अपने फेस पे करते हैं, जो हमारे ये ब्लैक हिट्स वगैरह होते हैं ना, वाइट हिट्स और ब्लैक हिट्स, वो थोड़ा सा नरम हो जाते हैं, तो जब हम निकालेंगे ना थोड़ा सा दबाव देकर, तो ऐसे दबाव देंगे तो वो ब्लैक कलर के निकल आएंगे, ऐसे छोटे से जो होते हैं ना बाल, वैसे वो आपको पता चलेगा। हाँ जी, तो मैंने ये क्यों दिखाया है, ये जो नोक बनी हुई है आपके जो फेस पे येलो कलर के होते हैं, मतलब जिनके अंदर जो कह लें टीथ वगैरह भरी हुई होती है, उनके आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे करना, आप वो काम पार्लर में भी जाके करवाते हैं, इससे अच्छा आप खुद ही ये सब कुछ कर लें। ये देख रहे हैं यहाँ पर आपने ऐसे करना है अपने फेस पे, जब वो थोड़ी सी निकले ना, तो इसकी मदद से ब्रैकेट्स वाली जगह जो निकालते हैं ना, उसकी मदद से ऐसे निकालना है आपने, बीच में से आपने जो वो निकलेगी ना पीस वगैरह, वो आपने बिल्कुल निकाल देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। और उसके अलावा आपको ये मैंने तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं कंसीलर की, मतलब कि जो हम फेस पे कंसीलर वगैरह करते हैं क्यों किस लिए करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करती हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।